Hello friends, welcome to Manu Law Classes. Today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 8 October 2022. So let's start with the news. The first is about the Nobel Prize for Peace. Now अभी हमने Nobel Prize for Chemistry पढ़ लिया, ना Physiology भी पढ़ लिया है, Physics भी कर लिया है और Literature भी कर लिया है past के कुछ दिनों में. Now it is for the new Nobel Prize for Peace. तो देखो यहाँ पे तीन विनर्स हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल है और दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्यान में रखना है हमें. और जो है ये जो पूरा नोबेल प्राइज फॉर पीस जो दिया गया है, ये आप देखेंगे तो पूरा बेलारूस और रशिया ओके और यूक्रेन को ध्यान में रख के दिया गया है. तो यहाँ पे जो पहला जो प्राइज है, दैट इज़ टू एलिस सॉरी टू एलिस बियालिट्स्की. He is from Belarus and he is a prominent Belarusian right activist and founder of Vyasna Human Rights Center and is currently held in prison without trial. तो जैसे कि हम जानते हैं बेलारूस के जो लीडर हैं, जो बेलारूस को कंसिडर किया जाता है कि वो रशिया के क्लोज है, और वहाँ पे जो वहाँ के जो लीडर हैं अलेक्जेंडर लेमाशेंको इज़ कंसिडर क्लोज टू रशिया. और वहाँ पे भी एक तरीके का अगर आप देखेंगे तो सिविल राइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ब्स हैं. सो नाउ ही इज़ इन अ प्रिजन. The next is Memorial. It was founded in 1987, which compiles information on human rights abuse and it tracks the fate of political prisoners in Russia. The next is Center for Civil Liberties. It was founded in 2007 and it is Ukraine-based organization which has identified and documented Russian war crimes against the Ukrainian civilian population. Okay, so ye jo teen naam hai ye bahut hi important hai. The second is ye humne kuch din pehle bhi padha tha explainer series mein about the एस सी स्टेटस ऑफ दोज हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, जिनको दलित्स हु हैव कन्वर्टेड टू एस सी दलित्स हु हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स दे आर नॉट गिवन एस सी स्टेटस इन इंडिया एंड नाउ दे आर डिमांडिंग द एस सी स्टेटस. हमने पहले उस न्यूज़ में पढ़ा था कि वेरियस कमिटीज़ हैं जिन्होंने रिकमेंड किया कि दैट दे हैव टू बी इंक्लूडेड. ओके, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उन रिपोर्ट्स को कहती है कि इसमें बहुत फैक्ट्स नहीं है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए. एंड द सेकेंड इज़ दैट द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स हैं वो कहते हैं कि इट दैट द कन्वर्टेड पर्सन्स ओके दे डू नॉट फॉर्म अ रेस अ ट्राइब और अ पर्टिकुलर कास्ट सो दैट द ऐसी स्टेटस कैन बी गिवन इट टू देम. तो ये कि टेक्निकल प्रॉब्लम है. अब उसको स्टडी करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन बताया है. It is Commission of Inquiry, which is going to be headed by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan to examine whether the scheme or whether the scheduled caste status can be accorded to Dalits who have over the years converted to religions other than Sikhism or Buddhism. मतलब पहले जो ये SC order released हुआ था ये उनके लिए था जो हिंदू communities में थे and who were untouchables, ठीक है, who are facing the disability and criminal discrimination due to untouchability, fine. So जो social disabilities और discrimination था वो untouchability की वजह से था. तो यहाँ पर जो main contention ये है कि जैसे कि जो ये untouchability practice है ये हिंदू में practice किया जाता है, ठीक है, और बाकी religion में नहीं किया जाता. But there are many reports which refutes this. जैसे कि केलकर पैनल रिपोर्ट ऑफ 1955 एंड हाई पावर्ड पैनल रिपोर्ट ऑफ 1983, दे हैव सेड दैट दिस ऑर्डर टू इंक्लूड दलित सिख्स एंड दलित बुद्धिस्ट. तो उन्होंने भी कहा था कि भाई ये हिंदुइज्म में सिर्फ प्रेवलेंट नहीं है, अगर कोई कन्वर्ट भी कर जाता है देन ऑल्सो दे आर गोइंग थ्रू दिस सोशल डिसेबिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू अनटचेबिलिटी. तो बाद में SC ऑर्डर जो पहले हिंदू SCs को रिकग्नाइज करता था, इट वॉज एक्सपांडेड in 1956 to include Sikhs and Dalit Buddhist in 1990. अब डिमांड जो हो रहा है वो दलित्स जो हु हैव कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन एंड मुस्लिम. अब सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट द रिलीजन्स इंक्लूडेड एज SCs अंडर द लॉ आर ब्रांचेज ऑफ हिंदुइज्म. दलित्स हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कैनॉट क्लेम टू बी बैकवर्ड सिंस अनटचेबिलिटी इज अ फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट इज ब्रांचेज एलोन. तो यहाँ पर यह माना गया कि भाई जो बुद्धिज़्म और सिखिज़्म है ये सेंटर का स्टैंड है, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ हिंदुइज़्म. तो यहाँ पे दे दिया गया.
बट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है यहाँ पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं होती है, बिकॉज अनटचेबिलिटी इज़ अ फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट्स ब्रांच एंड इट्स ब्रांचेस। ओके, अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि नहीं, इवन आफ्टर कन्वर्टिंग टू डिफरेंट रिलीजन लाइक क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स दे आर डिस्क्रिमिनेटेड। नाउ सो हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 इट प्रोवाइडेड फॉर ओनली दोज बिलोंगिंग टू हिंदू सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी टू बी कैटेगराइज्ड एज एससीज। ओके, जब ये एनेक्ट हुआ था 1950 में तो इट ओनली अलाउड फॉर हिंदू कम्युनिटीज एंड देन लेटर इट वॉज एक्सपेंडेड इन 1956 फॉर सिख कम्युनिटीज एंड 1990 फॉर बुद्धिस्ट कम्युनिटीज। अभी जो मेंबर हैं, देर इज अ थ्री मेंबर कमीशन, इट विल कंप्राइज ऑफ प्रोफेसर सुषमा यादव हु इज़ द मेंबर ऑफ UGC एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर रविंद्र कुमार जैन एंड दे हैव बीन गिवन 2 ईयर डेडलाइन टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन दिस इशू। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इट हैज सेड दैट द कमीशन्स इंक्वायरी विल ऑल्सो लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट विल ऑल्सो लुक इन टू द चेंजेस एन SC पर्सन गोज थ्रू आफ्टर कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन दी क्वेश्चन ऑफ इंक्लूडिंग दैम एज SCs। तो ये एग्जामिन करेगी कन्वर्ट करने के बाद किसी भी दलित का क्या स्टेटस होता है, क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, आफ्टर कन्वर्टिंग टू डिफरेंट रिलीजन। नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस न्यूज ऑन नेशनल पेज। सो या उसके साथ साथ दे विल ऑल्सो एग्जामिन ट्रेडिशन कस्टम्स सोशल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वेदर दे हैव चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है ना, कि क्या उनके स्टेटस में चेंज हुआ है कन्वर्ट करने के बाद, ये सारा कुछ स्टडी किया जाएगा। फाइन, उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन है विच इज़ चैलेंजिंग दिस रिलीजन क्राइटेरियन फॉर इंक्लूजन एंड दे हैव गिवन सर्टन रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस लाइक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन विच वॉज हेडेड बाई काका केलकर इन 1955 विच हैज डॉक्यूमेंटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियन क्रिश्चियंस एंड इंडियन मुस्लिम्स। ओके, तो इस रिपोर्ट ने कंक्लूड किया है कि जो दलित कन्वर्ट्स भी होते हैं दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम ओल्ड सोशल डिसेबिलिटीज इवन आफ्टर लिविंग द हिंदू रिलीजन। Then there is report of the Committee of Untouchability, Economic and Educational Development of Scheduled Castes in 1969, then High Power Committee report of SC, STs and Minorities in 1983, and Raghunath Mishra Commission report. Is sara hawala diya ja raha hai as a proof by the petitions which are challenging this, ki isme ye bataya gaya hai ki even after converting that social disability continues to remain. अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दैट द केलकर कमीशन रिपोर्ट, ओके, इस रिपोर्ट के बाद सिख वेर इंक्लूडेड इन द SC कैटेगरी, देन इन बेस्ड ऑन हाई पावर कमिटी रिपोर्ट दलित बुद्धिस्ट वेर ऑल्सो गिवन द SC स्टेटस इन 1990। The next is Center seeks CGI's recommendation on appointment of his successor. तो यहाँ पे देखिए एक technicality है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं UU ललित, ये नवंबर 8 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। उस मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट में ये होता है कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है टू अपॉइंट द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस DY चंद्रचूड इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, जो सीनियोरिटी नॉर्म चलता है। अब ये प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे स्टार्ट होता है, तो यूनियन लॉ मिनिस्टर जो होती है, इट सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग CGI अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। उसके बाद जो CGI हैं वो रिकमेंडेशन अपना भेजते हैं एट अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, एंड देन दिस रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक, लगभग एक महीना पहले ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ अगर अब हम देखेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि कॉलेजियम जो है इट इज़ कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जिसके लिए 4 नेम कंसिडरेशन में चल रहा है। बट यहाँ पे एक टेक्निकलिटी क्या है कि नो न्यू रिकमेंडेशंस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर मेड व्हेन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज गोइंग ऑन। Now, the next is about respect and guarantee human rights to Uyghurs of Xinjiang, says Ministry of External Affairs.
तो यहाँ पे जो है 51st रेगुलर सेशन चल रहा था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का। तो थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को देख लेते हैं। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, सो इट इज़ एन बॉडी अंडर द यूनाइटेड नेशन टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन राइट्स एलिगेशंस अगेंस्ट द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। दिस बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2006 एंड ये जो बॉडी है इट रिप्लेस्ड वन मोर बॉडी जो पहले था विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1946। तो 1946 में एक बॉडी था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये बॉडी 1946 में एस्टेब्लिश हो चुकी थी, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स HR। नाउ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिप्लेस दिस बॉडी विद द न्यू बॉडी विच इज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। फाइन, तो ये काउंसिल था यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ह्यूमन राइट्स, इट वॉज रिप्लेस बाई कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। Now, this body, it has 47 members elected for the period of 3 years and from the regional groups. Fine, 47 members होते हैं। इस body के पास एक power भी है कि वो किसी भी अपने member को निकाल सकती है membership से if that member has committed a human right violations. तो past में इसने 2011 में लीबिया को membership से हटाया था और 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो बूचा करके एक जगह है वहाँ पे ये मास ग्रेव पाया गया था। यूक्रेन में एक जगह है जहाँ पे मास ग्रेव पाया गया था और ये पाया गया था कि दैट रशिया हैज़ कमिटेड वॉर क्राइम। तो 2022 में 11th मीटिंग हुआ, स्पेशल मीटिंग, और उसमें रशिया का मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का उसको टर्मिनेट कर दिया गया। अब इसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट की बात हो रही है अबाउट द यूगुर्स ऑफ जिनजियांग प्रोविंस इन चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे जो 47 मेंबर्स थे तो ये जो प्रपोजल था इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय यूएस, फिनलैंड एंड अदर मेंबर्स ऑफ द वेस्टर्न ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे प्रपोजल ये था कि भाई चाइना को मतलब बोला जाए कि टू स्टॉप द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन जिनजियांग उगुर ऑटोनोमस रीजन। सो यहाँ पे यू विल सी दैट 17 मेंबर्स दे वोटेड इन फेवर, 19 वोटेड अगेंस्ट एंड 11 इंक्लूडिंग इंडिया हैव एब्सटेन। फाइन, सो इंडिया हैज़ एब्सटेन क्योंकि इंडिया का एक स्टैंड है दैट इज इंडियाज वोट इज इन लाइन विद इट्स लॉन्ग हेल्ड पोजिशन दैट कंट्री स्पेसिफिक रिजोल्यूशन आर नेवर हेल्पफुल, इंडिया फेवर्स अ डायलॉग टू डील विद सच इशूज। ओके, नाउ दिस रिपोर्ट विच वॉज कंसिडर्ड इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इट वॉज प्रिपेयर बाई ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एक 46 पेज का रिपोर्ट है और इसमें यह है कि दैट इस रिपोर्ट में बोला गया है कि द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन शुड बी रिस्पेक्टेड एंड गारंटेड एंड वी होप दैट द रेलेवेंट पार्टी विल एड्रेस द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली एंड प्रॉपरली। तो अभी तक इंडिया जो है वो जनरली अवॉइड करता है कमेंटिंग ऑन द चाइनाज क्रैकडाउन ऑन उइगुर्स इन जिनजियांग रीजन। द नेक्स्ट इज हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक जो इम्पोर्टेंट गोल है वो ये है टू डबल द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज बाय 2030। अब ये जो डील है फ्री ट्रेड पैक्ट, अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है इमिग्रेशन रिलेटेड। कुछ दिन पहले हमने कमेंट पढ़ा था यूके के एक मिनिस्टर का, दैट इज़ होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन, शी सेड दैट लिंकिंग द FTA विद माइग्रेशन इशू एंड शी सेड दैट क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट द स्पीड, क्योंकि पहले एम था कि दीपावली तक दे विल कंक्लूड द पैक्ट। अब ये इमिग्रेशन का इशू आ रहा है एंड नाउ ब्रिटेन के जो मिनिस्टर हैं होम सेक्रेटरी शी इज टेलिंग कि इमिग्रेशन ही एक इशू था जिसके ऊपर ब्रेक्सिट हुआ था। ठीक है ना, ब्रेक्सिट वैन यूके सीज टू बिकम द मेम्बर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट बिकेम इफेक्टिव सिंस 31st January 2020। ठीक, सो नाउ दिस हैज़ बिकम द वन ऑफ द थॉर्नी इशू फॉर FTA डील। उसके बाद रिसेंटली उत्तरकाशी में एवलांच हुआ है, यहाँ पे जो टोटल लोगों की अब जान गई है अब वो 26 पहुँच चुका है। ओके, एक और न्यूज़ है इससे रिलेटेड कि इंडिया का फर्स्ट एवलांच डिटेक्टर कहाँ पे है। ठीक है ना, जो मतलब एवलांच को 3 मिनट पहले डिटेक्ट कर ले कि एवलांच होने वाला है। सो दैट इज़ इन नॉर्थ सिक्किम। ओके, दैट इज़ इन नॉर्थ सिक्किम। अब हम आते हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर।
तो ये डेविड मैलपास हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने कहा है कि इंडिया कैन लीड G20 ऑन एजुकेशन क्लाइमेट एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, एंड ही हैज़ पॉइंटेड दैट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन रिस्ट्रक्चरिंग डेप्थ इन श्रीलंका एंड बींग अ मेजर क्रेडिटर टू अफ्रीकन नेशंस एंड कॉज द कंट्री एज अ लीडर इन एजुकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे वी दे हैव डिस्कस द जनरल इशू। ठीक है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें उन्होंने इंडिया का जो ग्रोथ एस्टिमेट है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर उसको 7.5% से 6.5% पे डाउनग्रेड कर दिया था। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द वर्ल्ड बैंक। नाउ G20 के बारे में बता दूँ, जो 2022 का सम्मिट है G20 का, इट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन बाली इन इंडोनेशिया, बाली इन इंडोनेशिया 2022 का, और जो 2023 का सम्मिट होगा वो होगा इंडिया में। ओके, और 2024 का जो सम्मिट होगा वो होगा ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद जो 2022 में जो G20 के शेरपा हैं वो हैं हमारे फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अ बेंच लेड बाय दिनेश महेश्वरी हैज सेड दैट द हेल्दी मैन इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड थ्रू लीगल मीन्स इवन बाय फिजिकल लेबर फॉर हिज वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। ठीक है, तो एक केस आया था, फाइन, इट वॉज बेस्ड ऑन अपील फाइल्ड बाय अ वुमन हु फेल्ड टू विन हर केस फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम हर एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड इन द फैमिली कोर्ट इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दोनों जगह पे शी कुड नॉट गेट द मेंटेनेंस राइट, तो नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन हर दैट राइट एंड हैज सेड दैट कोई भी हेल्दी मैन है ये उसका ऑब्लिगेशन होता है कि चाहे भले मजदूरी करना पड़े बट अपने वाइफ और चिल्ड्रन को वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। नाउ लेट्स हैव सम न्यूज फ्रॉम द वर्ल्ड, मेनली वन लाइनर टाइप। तो ये महसा अमीनी है, ये नाम आप अपने एग्जाम के लिए याद रखिएगा क्योंकि ये पुलिस कस्टडी में इनका जान चले गया था, पर अब ईरान के में एक इन्वेस्टिगेशन ने में के बाद कहा है कि जो डेथ ऑफ महसा अमीनी है इट वॉज बिकॉज ऑफ इलनेस। ओके, एंड शी वॉज नॉट बीटेड बाई अ पुलिस। तो इनको जो है ये कह रहे हैं द डेथ ऑफ अमीनी हुज कुर्दिश फर्स्ट नेम इज जीना वॉज रिलेटेड टू सर्जरी फॉर अ ब्रेन ट्यूमर एट द एज ऑफ 8, ईरान के फॉरेंसिक बॉडी ने कहा है। ठीक है ना, तो इनके डेथ के बाद ईरान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है। ओके, द नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड प्राइसेस, जो सितंबर तक अपने पीक पे था, नाउ इट इज स्लोइंग डाउन। तो अगर हम देखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है, इट इज एवरेज टू 136.3 पॉइंट्स इन सितंबर, व्हिच इज 1.1% ड्रॉप फ्रॉम अगस्त। द नेक्स्ट इज यूनिसेफ, इट हैज सेड कि मोर देन 1 मिलियन पीपल, मोर देन 10 लाख पीपल हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन म्यांमार सिंस लास्ट ईयर्स कूप। ओके, एंड मोर देन हाफ ऑफ देम हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट सागाइंग रीजन विच हैज सीन द फियरेस्ट फाइट बिटवीन द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कूप एंड मिलिट्री जनता। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट यूक्रेन प्रेडिक्ट्स मोर गेंस एज पुतिन जनरल फेस फ्लैग। तो अब ये अब पहले से जानते हैं कि चार रीजन है विच हैज़ बीन अनेक्स्ड बाई रशिया आफ्टर पासिंग द रेफरेंडम, दोज आर खैरसन, ज़ेपोरोजिया, लुहांस एंड डोनेट्स। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि खैरसन में, अब देखिए कुछ दिन पहले हमने खारकीव के बारे में पढ़ा था कि यूक्रेन हैज टेकन सम मेजोरिटी एरियाज इन खारकीव। नाउ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हैज सेड दैट कीव्स फोर्सेस हैव ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन 500 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टेरिटरी इन खैरसन रीजन, एंड आफ्टर दैट दे ज़ापोरिजिया रीजन दैट विल बी द सेकेंड टारगेट। ओके,
द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट किक्स ऑफ IDBI बैंक दिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट हैज किक्ड ऑफ द प्रोसेस फॉर द स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ IDBI बैंक अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बाय इशूइंग अ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टू इन्वाइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बायर्स. तो यहाँ पर जो IDBI में हम देखेंगे गवर्नमेंट का शेयर 30.48% है, LIC का शेयर 30.24% है, नाउ दैट टोटल बिकम 67.2%. ओके नाउ विच विल बी सोल्ड. द नेक्स्ट इज इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व स्लाइड टू मोर देन टू ईयर लो. तो इंडिया का जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है सो इट हैज़ फेल टू $532.66 बिलियन इन द वीक थ्रू September 30, देयर लोवेस्ट लेवल सिंस July 2020. तो हम ये जानते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो US फेडरल रिजर्व है इट हैज़ इंक्रीज इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट which has triggered the outflow of foreign institutional investors from India. कुछ दिन पहले हमने एक नाम भी पढ़ा था, 2013 में भी सेम केस हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड एज टेपर टेंट्रम. क्या था कि जो 2013 की बात है तो 2013 में क्या हुआ था कि द सेम थिंग हैड हैपेंड. ओके एंड देर वॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया. नाउ अ स्मॉल न्यूज अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेड इट विल सून कमेंस द पायलट इंट्रोडक्शन ऑफ ई रूपी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस विद अ व्यू टू बॉल्स्टर इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी मेकिंग पेमेंट सिस्टम मोर एफिशियंट एंड चेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है ना, तो एक कॉन्सेप्ट नोट था ऑन CBDC. तो RBI ने कहा है कि CBDC इज एम टू कॉम्प्लीमेंट रैदर देन रिप्लेस करंट फॉर्म्स ऑफ मनी एंड इट इज एनविजाज्ड टू प्रोवाइड एन एडिशनल पेमेंट एवेन्यू टू यूजर्स बट नॉट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम. नाउ कमिंग टू एडिटोरियल. ओके सो साइज के एडिटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्लो लेन ड्राइविंग. तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो है वो रिपोर्ट आया है. तो वर्ल्ड बैंक ने जो किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सबका अपना अपना प्रोजेक्शन है. वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन अभी हमने किया वो 6.5% है. रिजर्व बैंक ने इसको रखा है 7%. ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसको 7% रखा है और फिच रेटिंग ने भी इसको 7% रखा है. सिर्फ S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इसको 7.3% रखा है. मोदी इन्वेस्टर्स सर्विस ने इसको 7.6% रखा है. ठीक है, वैन वी स्टार्टेड इन दिस ईयर 2022-23 का जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो RBI ने प्रेडिक्ट किया था 7.2% का ग्रोथ. ओके, और IMF ने प्रेडिक्ट किया था 8.2% का ग्रोथ. तो अब हमें ये देखना है कि ये डाउनग्रेड क्यों हो रहा है. ठीक है ना, तो ये डाउनग्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ टाइटर ग्लोबल लिक्विडिटी, हायर इन्फ्लेशन. अभी देखेंगे कि हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि OPEC प्लस ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल बाई 2 मिलियन बैरल पर डे. ठीक है, तो अगेन देर विल बी एन इन्फ्लेशन एंड देन राइजिंग इंटरेस्ट रेट. ओके, विच इज डेंटिंग द डोमेस्टिक डिमांड. उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो देर इज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज वीकनिंग, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन चल रहा है. एंड देन देर इज श्रिंक इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ओके, एंड देन प्राइवेट कंजम्पशन ऑल्सो. तो उसके अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो क्या होगा, इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी कम हो जाएगा. ओके, द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल ऑल्सो बी लेस, सो विच इज अगेन गोइंग टू डिरेल द रिकवरी प्रोसेस. एक साइकिल बन जाएगा यहाँ पे. द नेक्स्ट इज अबाउट द सिंथेटिक क्लिक अबाउट द नोबल प्राइज फॉर केमिस्ट्री विच हैज बीन अवार्डेड टू कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन एंड बैरी शार्पलेस. बैरी शार्पलेस को दूसरी बार प्राइज मिला है एंड दे हैव बीन गिवन दिस प्राइज फॉर डेवलपिंग द क्लिक केमिस्ट्री. क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ना जो नॉर्मली बॉन्ड नहीं होते टूगेदर. ओके, दैट बिकम्स क्लिक. तो दे हैव जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन मेडिसन, फर्टिलाइजर्स. ओके, एंड साइंटिस्ट जो हैं वो उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स जो नेचुरली एक साथ नहीं रह सकते उनको एक साथ लाना है. For producing new molecules, these are used for creating drugs and medicines. Okay, and but a flip side क्या है इसका, cons क्या है, that this process are very laborious, they create unwanted byproducts and often toxic process. अब जो शार्पलेस हैं, ठीक है ना, इनको फर्स्ट नोबल प्राइज मिला था फॉर क्रिएटिंग अ मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके, लीगो ब्लॉक्स.
फाइन, विच कैन स्नैप टुगेदर, मतलब दे कैन कम टुगेदर एफिशियंटली, फाइन। उसके बाद मैडल एंड शार्पलेस ने क्या किया, दो ग्रुप होते हैं एजाइड एंड अल्काइन, इनको टुगेदर एक साथ लाए बाई यूजिंग द कॉपर कैटलिस्ट। ओके, अब जो कॉपर कैटलिस्ट है ये तो मेटल है, ठीक है। हम इससे कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बना सकते जो हम लिविंग बींग्स को दे सकें, ठीक है ना। तो लिविंग बींग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एजाइड और अल्काइन को टुगेदर लाना पड़ेगा विदाउट यूजिंग द मेटल। अब यहाँ पे जो थर्ड विनर है बर्टोजी, ओके, वो आती है। सो व्हाट्स हैपेंस इज दैट शी डेवलप्स दिस क्लिक केमिस्ट्री विच कैन बी यूज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, फाइन। सो इंस्टेड ऑफ दिस एजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन शी फोकसिस ऑन एजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन विच इज स्ट्रेन प्रमोटेड। स्ट्रेन प्रमोटेड का मतलब इसमें कॉपर की यूज नहीं होगी। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट डार्क स्काई रिजर्व इन इंडिया। तो हमने कल भी ये पढ़ा था दैट हेनले हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व जो होता है मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट अबव सी लेवल एंड लिटिल अबव ओवर 250 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ ले। ओके, सो यहाँ पे दिस हैज़ बीन डन टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया, एस्ट्रो टूरिज्म इन इंडिया। अगर हम देखेंगे ये जो प्रपोजल है, इट वॉज लेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रो फिजिक्स, ओके, एंड देन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इन तीनों का ये एक साथ दे हैव लेड टू मेक हानले एज अ डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, फाइन, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि और भी टेलीस्कोप्स हैं लाइक हैगार हाई एल्टीट्यूड गामा रे, देन हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप HCT, ओके, दीज आर ऑल द टेलीस्कोप्स विच आर ओवर हियर। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या है, दैट लद्दाख गवर्नमेंट अलॉन्ग विद IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंडियन साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज लेइंग द ग्राउंड वर्क टू हैव हेनले डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व बाय इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इन US, ठीक है। अभी तक जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है इसने पूरे वर्ल्ड में 200 इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व और सेंचुरीज को रिकोगनाइज किया है, पर जो भी हेनले वाला है वो अभी इसने रिकोगनाइज नहीं किया है, दैट इज इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, वो प्रोसेस अभी चालू है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो अगेन विद डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।